यहाँ से ना इतना सुंदर व्यू है ना भाई, पीछे का तुम्हें दिखाऊं कितना सुंदर व्यू है भाई, एक नंबर। ये चेक करें। तो गाइस स्वागत है भाई आप सभी का एक नए ब्लॉग वीडियो में। शाम के 5 बज रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप सब भाई बढ़िया होगे, बढ़िया रहना। अरे तुम बारिश का ड्रामा देख रहे हो, यहाँ सामने धूप निकली हुई है और ड्रिजलिंग हो रही है। ये देखो, अब समझ नहीं आ रहा कैमरे को अंदर रखूं या फिर मोटो ब्लॉग बनाता रहूं। अभी विशाल भाई आ रहे हैं और देखते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत देर से वेट कर रहे थे कि बारिश रुकेगी, रुकी तो फिर ऐसी रुकी कि अभी रुकी नहीं रही। कोई सेंस है इस बात का? नहीं, कोई नहीं, चलते हैं अपन। जब भाई तेज चल रहा हूँ तब तो लग रहे पानी इसमें, मुझे लग रहा है कि कहीं कैमरा ना मुझे अंदर ना रखना पड़ जाए। जब खड़े हैं तब इतनी तेज नहीं लग रही, बट ड्रिजलिंग टाइप की हो रही है। तो भाई धीरे धीरे ही चलते हैं अपने। क्या हो गया, चैन हाँ करा लो भाई। यहाँ पे इसकी चैन वैन सही सेट कर रहे हैं, जंग जुंग लग रही थी। मैंने देखा दूर से, मैंने कहा भाई बाइक खड़ी हुई है और ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, क्या सीन हो रहा है। फिर बोला कोई दिक्कत हो गई, पर कोई नहीं, छोटी सी है, चैन अभी साफ करवा के चल रहे हैं। बट यार ये बारिश का मुझे समझ नहीं आ रहा, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है और धूप भी निकली हुई है, क्या करें। अब कैमरा अंदर भी रखे, ब्लॉग भी बनाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई निकल चुके हैं दो चीते अपने अपने चीतों को लेकर, ये अपनी रुद्रा और कांगे, ये विशाल भाई। दो दिन से मैंने रनिंग नहीं करी और मेरे को ना अगले ट्रिप पे ना काफी लंबा जाना है और वहाँ ना भाई बहुत मेहनत लगने वाली है। गाइस अभी जा, अरे भाई पानी कहाँ से आया? अच्छा बाइक में से पानी आया, बाइक के टायर में से, मेरे को बड़ी तेज एकदम पानी आया। तो गाइस अभी चल रहे हैं सोहना की साइड, सोहना चल रहे हैं पहाड़ी पे आज। और आज जिससे एग्जॉस्ट लगवाना है ना, मतलब भाई ने ना एग्जॉस्ट लगवाया था और एक दो जगह पे ना आज फोन करके पूछेंगे और मुझे एग्जॉस्ट नया लगवाना है। तेल हटवाने की एक यही प्रॉब्लम होती है कि भाई देखो उसमें पूरा ना गंदा करते हुए जाती है और वो टायर में से ना इतनी कीचड़ फेंक रही है बाइक और मेरे ऊपर भी आ रहा, भाई की तो शर्ट खराब हो ही रही है। हेलो जी, वादियों में आ चुके हैं, एक नंबर भाई। अभी ऊपर चढ़ाई शुरू होती जा रही है, ऊपर 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 पहाड़ी के एकदम क्लिफ पे पहुंच जाएंगे और नीचे का नजारा देख रहे हो तुम, कितना सुंदर नजारा है भाई। गोप्रो में एक तो कैप्चर भी तो नहीं होता यार दूर का ना, इसमें ना जूम सिस्टम जरूर देना चाहिए, एक बटन देनी चाहिए कि भाई यहां से जूम कर ले। कितना प्यारा देख रहे हो, पर दूर है ना, जो दूसरी सामने वाली पहाड़ी ना वहाँ पे बारिश हो रही है, उस साइड बादल बने हुए हैं, इस साइड का सीन है बॉस एक नंबर मजेदार। तो भाई अरावली की पूरी पहाड़ी पे आ चुके हैं, ऊपर एकदम क्लिफ पे सबसे ऊंचे, मतलब यहाँ से ना इतना सुंदर व्यू है ना भाई, पीछे का तुम्हें दिखाऊं। ये चेक करें भाई, देख रहे हो कितना सुंदर व्यू है भाई, एक नंबर। ये चेक करें, ऊपर बादल भी इतने मस्त हो रहे हैं, अभी अभी बारिश वारिश बंद हो चुकी है, धूप यहाँ निकल चुकी है, वैसे सनसेट का टाइम हो चुका है और धूप देखो कितनी तेज हो रही है, 6 बजने वाले हैं भाई। ये देखो मजेदार भाई, नीचे से जो ना यहाँ से मतलब जो आंखों से दिख रही है ना रोड, ऐसे 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 जिगजैग होती हुई बहुत प्यारी लग रही है। देखो ये गाड़ी निकली, ये जा रही गाड़ी, ये यहाँ ऐसे ऐसे हल्की हल्की घूमती फिरती वहाँ से घूम के यहाँ उतर रही है और हम ना सामने से आए हैं वहाँ से। तो दो तरह के गुड़गांव दिख रहे हैं, एक उस साइड पूरा देख रहे हो पूरा अंधेरा अंधेरा सो रहा है, शायद उस साइड हो सकता है बारिश भी हो रही हो, और इस साइड देखो पूरा एकदम खुला खुला एंड मौसम भी एकदम साफ, एंड उधर पूरी बिल्डिंग और इधर पूरे पहाड़ और छोटे छोटे से घर, कितने प्यारे लग रहे हैं, एक नंबर भाई। एंड यहाँ पे भाई बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि हेलमेट पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हवा लग रही है ऊपर मस्त, तो अपनी हवा लेते हैं मस्त और थोड़े बहुत सिनेमैटिक चेक करें आप। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल मौसम एकदम हो चुका है खत्म, साले धूप, मतलब धूप जा चुकी है ना, बादलों के पीछे चली गई धूप, तो एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया, एकदम ऐसा ही रहना चाहिए। गर्मी तो भाई मार रही है कसम से, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बारिश भी अजीब सी हो रही है, मतलब मौसम को समझ नहीं आ रहा। जब ठंड आनी होती है तब धूप हो जाती है, जब धूप आनी होती है तब ठंड हो जाती है, कहीं हवा चल जाती है, बारिश हो जाती है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ऊपर वाले की महिमा है, कुछ भी कर सकता है। तो भाई निकल रहे हैं यहाँ से, मस्त लोकेशन थी यार, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लगी, आराम से अपने बैठे मस्ती मारी। मस्ती तो क्या ही यार, हम वीडियोस बनाते बनाते रह जाते हैं, मस्ती तो क्या ही मार पाते हैं।
अनसीन प्लेसेस हैं गुड़गांव के, अनसीन प्लेसेस। और व्यू देख रहे हो तुम, बादल कितने प्यारे हो रखे हैं। और यहाँ ट्रैक्टर की रेस लग चुकी है गाइस, तगड़ी रेस चल रही है भाई। यहाँ से अगर ऐसे बंद कर दूं ना बाइक को तो आराम से नीचे तक पहुंच जाएगी। देखो बंद करूं, ये बाइक डाल दी मैंने न्यूटन पे, आराम से चल रही है। भाई एग्जॉस्ट लगवाना है भाई, उससे पहले एक बार शोरूम पे लेके जाना बाइक को, क्योंकि मिसिंग का कुछ सीन है। अब क्या सीन चल रहा है मिसिंग विसिंग का ना, वो सही कराना है। क्योंकि अगर मैं पहले एग्जॉस्ट लगवा दूंगा ना तो फिर तुम्हें पता है शोरूम वाले वही कहेंगे कि भाई अपने ये लगवा रखा है इसीलिए आपकी में ये प्रॉब्लम आई है। उन्हें ये नहीं पता कि ये अभी एक ही दो दिन हुआ है। एग्जॉस्ट लगवाने से पहले अपन ये दिक्कत को दूर करवा देंगे। देख लो इतना डाउनवर्थ है कि भाई 25-30 की स्पीड चल रही है। मैंने बाइक बंद कर रखी है, लिटरली बाइक बंद है। और तेरी मेरे पीछे एक भाई आ रहा है प्लेटिना वाला, उसने भी ना बाइक बंद कर रखी है। मस्त है भाई, मजेदार। वैसे भी 30-35 की स्पीड चलाते, अब भी 35 पे ही चल रही है। 36 हो गई, 37, 8, 9, ले भाई 40 की स्पीड हो गई। सोचो 40 की स्पीड चल रही है। The next day. तो कैसा, आपसे उम्मीद आप सब भाई बढ़िया हो गए, बढ़िया रहना। भाई लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि एग्जॉस्ट लगवाने गया था बेसिकली अपनी बाइक में, बट सीन क्या हुआ ना कि मेरे का जो हेडर है ना वो नहीं था, बट ऑर्डर दे दिया है। अब बन बुन के आ जाएगा, हमारे पास कॉल आ जाएगा, हम जाके सीधा इंस्टॉल करा लेंगे। तो अब गए थे इतना तेल फूक के, इतनी दूर, इतना दिमाग खराब करके, कुछ तो करवा के आना ही था। तो हमने भाई BMW में पूरा ना फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा दिया, उसका बैंड पाइप वगैरह भी चेंज करा दिया और नया एग्जॉस्ट इंस्टॉल भी करा दिया, क्योंकि रेप्लिका SC प्रोजेक्ट लगवाया। और जो चिल्ला रही है ना बाइक, कसम से भैया तो बोल रहे हैं कि भाई हम इसको निकाल दूंगा ना, पुलिस वाले मेरे दोस्त बन जाएंगे। बस हवा निकल गई, मतलब पकड़ लेंगे, चलान चलान हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, गुड़गांव में अपना ही है सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस पहले बाइक देख लो, मस्त लग रही है, एकदम साफ सुथरी। एग्जॉस्ट की जो आवाज आ रही है, कसम से भाई सच्ची बताऊं, 1 किलोमीटर पहले से पता चल जाती है कि भाई बाइक आ चुकी। आवाज सुनाते हैं आपको, पहले आपको दिखाते हैं ये पूरा ना नया लगाया है। ये SS जो होगी ना पूरा कलर चेंज करेगा। ये यहाँ इंजन के पास से तो कर भी रहा है, हल्का हल्का ना ब्लू सा दिख रहा है। देखो अगर दिख रहा हो तो ब्लू हो रहा है ये ना, जैसे हीट होगी ना बाइक, ब्लू रेड मतलब अलग अलग कलर, ये अपने आप मैक्सिमम ब्लू और रेड ही होता है जहाँ तक मैंने देखा, पूरा ना कलर चेंज हो जाएगा। तो भाई ये है पूरा SC प्रोजेक्ट, बस इसमें स्टिकर ऑस्टिन का लगा दिया क्योंकि भाई स्टिकर था नहीं। ये रेप्लिका एक ही होते हैं सारे, ठीक है, तो कोई सीन नहीं इसकी। तो गाइस अब ना इसको स्टार्ट करके ना इसकी आवाज़ सुनाते हैं कि कितनी लाउड हो चुकी है। चलाते हुए भी ना थोड़ा ना वैसे लग रहा है कि भाई ये क्या चला रहे हैं। तगड़ा मतलब कोल्ड स्टार्ट में ही ना, अगर सामने कोई बात कर रहा हो ना तो भाई कोल्ड स्टार्ट में भी उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। और स्टार्ट भगाने पे तो फिर तो ऐसा हो रहा है पटाखे छूट रहे हो, और बैक फायर मार रही है भाई, बैक फायर, समझ रहे हो। तो रात के टाइम पे अगर हम कभी शूट शाट करेंगे ना, या रात के टाइम अगर चलते हो कोई कैप्चर हो गया ना, तो आपको बैक फायर भी दिखा देंगे, और गजब के बैक फायर मारेगी भाई ये, क्योंकि ना पूरा खुल चुका है इसका ना, पूरा मुंह गला सब खोल दिया है इसका। तो मजेदार आवाज आ रही है बाइक की, आवाज भाई आप लोगों ने सुन ली है, और सोचो इसमें भी इतनी प्यारी आवाज आ रही है, मजा आ रहा है। तो भाई मेरी में तो बिल्कुल मजा आने वाला है, क्योंकि दोनों सिंगल सिलेंडर, बस 50 CC का फर्क है। कोई नहीं, इसमें अगर 100% आ रही है तो मेरे में कम से कम 50% आवाज तो आएगी आएगी। तो भाई अपना ना पूरा एरिया ना, मतलब मेरे जितने भी नेबर अड़ोसी पड़ोसी है ना, सब दुखी होने वाले हैं। तुम कोई टेंशन मत लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई का टेंशन फ्री रहता है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, एंड भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, क्या बोलेगा। मिलते हैं आप लोगों से कल अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का भाई ख्याल रखना, ठीक है। और भाई बहुत जल्द ना जैसी कॉल आएगा ना, अपनी बाइक में भी एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवा लेंगे, फिर उसकी भी आवाज सुनाएंगे आप लोगों। एंड थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार दिखाने के लिए। एंड इस वीडियो पे भी भाई कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे, ठीक है, जिससे कि आपको और मेरे बीच ना दोनों बीच कनेक्शन बना रहता है। भैया रुक गए, ठीक है, भैया रुक गए, कोई बात नहीं भाई, निकल जाओ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो गाइस कर देते इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल।